अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। सांसद की मध्यस्थता में राजेश सोनकर और नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। एक तरफ जहां सोनकच्छ में भाजपा प्रत्याशी राजेश सोनकर को विपक्षी दल से संघर्ष करना है, वहीं दूसरी तरफ अपनों की नाराजगी की चिंता भी सताए जा रही है। जब से सोनकर को सोनकच्छ विधानसभा से टिकट मिली है, तब से ही लगातार विपक्षी अपने तरीके से सोनकर पर वार कर रहे हैं, तो टिकट वितरण से नाराज राजेंद्र वर्मा समर्थक अपने तरीके से नाराजगी जता रहे हैं। कुछ ऐसे भी कार्यकर्ता हैं जो भाजपा के प्रति समर्पित हैं, लेकिन सोनकर की कार्यशैली से वे असंतुष्ट हैं और वे पिछले दिनों कहते सुनाई दिए कि अब तक वे राजेंद्र वर्मा का विरोध कर रहे थे, लेकिन अब लगता है सोनकर का विरोध करना पड़ेगा। दूसरी तरफ कुछ कार्यकर्ता पोस्ट कर रहे हैं कि फोन ना उठाने की सोनकर की पुरानी आदत है। सामवेर विधायक रहते हुए भी यही कार्यशैली रही थी उनकी। कुछ लोग एक अखबार की खबर की कटिंग भी वायरल कर रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि सिलावट को सोनकच्छ से टिकट देना था और सोनकर को सामवेर से। मंदिर की सीढ़ियों पर जूते चप्पल पहनकर बैठे सोनकर की फोटो कांग्रेसी वायरल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर विपक्षियों और असंतुष्टों द्वारा आरोप प्रत्यारोप और नाराजगी जताने का दौर लगातार जारी है। इस तरह की तमाम नाराजगियों के बीच जिलाध्यक्ष राजीव खंडेलवाल सहित अन्य पदाधिकारी समन्वय बैठाने का प्रयास कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि सोनकर की कार्यशैली की शिकायत सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी को भी कार्यकर्ताओं ने की थी। शुक्रवार को सांसद कार्यालय पर सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी, भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राजेश सोनकर सहित सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र के कुछ कार्यकर्ता भी थे। इन कार्यकर्ताओं की देर तक बातचीत चलती रही। सूत्रों के मुताबिक यह चर्चा संभवत कार्यकर्ताओं की सोनकर की कार्यशैली को लेकर जलाई जा रही नाराजगी के विषय में थी। सूत्रों का कहना है कि सांसद के सामने कार्यकर्ताओं ने सोनकर द्वारा बात नहीं करने, फोन नहीं उठाने आदि को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त की, तो सांसद सोलंकी ने भी इस मामले को सुलझाने का प्रयास करते हुए कहा कि बार बार फोन लगाना उचित नहीं है, कई बार वे भी फोन नहीं उठा पाते हैं, बाद में बात करते हैं। उन्होंने यह तक कहा कि यहाँ बैठे कार्यकर्ताओं में एक भी ऐसा नहीं होगा जिनसे उनकी कम से कम दो दो बार बात ना हुई हो। इस तरह की चर्चाएं होने से यह कयास लगाया जा रहा है कि संभवत यह बैठक सामान्य चर्चाओं की अचानक मिलने वाली बैठक नहीं थी, यह पूर्व नियोजित थी ताकि सोनकर और कार्यकर्ताओं को आमने सामने बैठाकर बातचीत करवाकर नाराजगी दूर करवाई जा सके और सोनकच्छ से बीजेपी प्रत्याशी को भारी बहुमत से चुनाव जिताने के अभियान को तेज किया जा सके। पहले तक बैठक गंभीर मुद्रा में चलती रही, बाद में स्वागत सत्कार का भी दौर चला। कक्ष से बाहर आने के बाद सोनकर ने बात करते हुए कहा कि सोनकच्छ से भारी बहुमत से भाजपा जीतेगी, जीत का इतिहास बनेगा। सांसद जी के साथ इसी संबंध में विचार विमर्श के इलय बैठक की गई। केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति को मिल रहा है, मतदाता उत्साहित है भाजपा के पक्ष में मतदान के लिए, मतदाता को बस इंतजार मतदान की तारीख का है। कि वो राजीव मियां के बारे में ऐसा आ रहा है, वो एक साथ वो फोन लगवाता है 25-25, 50-50, ये सब बैठे हुए हैं, इनमें तो शायद ही कोई होगा जिनसे हमारी दो दो तीन तीन बार फोन पे बात की हुई। फोन आता है जब हम फ्री होते हैं, वो विधायक वाला राहुल जिससे मुलाकात हुई थी, किस प्रकार की चर्चा हुई और क्या तैयारी है? निश्चित रूप से सोनकच्छ विधानसभा जीतना है और बड़े अंतर का जीतना है, तो नया इतिहास बनाना है। उसी को लेकर माननीय सांसद जी के साथ आज बैठकर हमने चर्चा की। सोनकच्छ विधानसभा के सभी कार्यकर्ता पूरी क्षमता और वेग के साथ में, समर्पता के साथ में लगे हुए हैं।
जितने भी विकास के कार्य वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, जिनका प्रत्यक्ष रूप से लाभ सोनकर विधानसभा की जनता को मिला है, और माननीय सांसद जी के जो नेतृत्व में जितना विकास हमने वहाँ किया है, उन सभी क्षेत्रों का और उन हितग्राहियों के पास तक पहुँचकर उनको भारतीय जनता पार्टी के मतदाता के रूप में उनको परिवर्तित करने का जो हमने योजना बनाई काम करी, उसी के लिए आज व्यक्त माननीय सांसद जी से विचार विमर्श किया, उसी योजना के साथ हम सोनकर विधानसभा जीतने की तैयारी कर रहे हैं। अभी आप जनता के बीच जा रहे हैं, केंद्र और जो राज्य सरकार की योजना है, अभी कितना असर आपको दिख रहा है अभी उसमें? निश्चित ही मैंने बता रहा हूँ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ना, एक बड़े अंतर के साथ में मध्य प्रदेश में बनेगी। सोनकर विधानसभा में हम एक जीत का इतिहास बनाएंगे। केंद्र हो या प्रदेश हो, दोनों ही जगह माननीय प्रधानमंत्री जी के, माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जन कल्याणकारी योजना का लाभ जनता को मिला है, उसका एक उत्साह लोगों के चेहरे पर देखने को मिल रहा है। हर व्यक्ति उस दिन का इंतजार कर रहा है जब चुनाव की घोषणा होगी और मतदान केंद्र पर जाकर उसको कमर का बटन दबाने का अवसर मिलेगा। तो मैं समझता हूँ उस दिन एक नया उदय फिर इस प्रदेश के विकास का होगा और देश के विकास का होगा। भाई साहब, कहीं ना कहीं आपको टिकट